بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرفهم اجمعين حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في التوفيق واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم إذا وصف حبيبه وقوله الحق ويضع عنهم يسرهم والأغلال التي كانت عليهم صلى الله عليه وسلم हमारी आज की मजलिस की गुफ्तगु माह सफर के आगाज में हो रही है। सफर मुज़फ़्फ़र, सफर खैर, अजीम महीना है, अहम महीना है। इस महीने में कई अहम तारीखें पाई जाती हैं। इसी महीने में हमारे नबी की वफ़ात की तारीख है। हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन मुस्तफा की शहादत मनाई जाती है इस महीने में। इस महीने में अरबईन है, जहरुम है, इसकी असमत बारे में जितना कहा जाए कम है, और इन अज्ञान में पिछले 10-20 साल में इसकी अहमियत और ज्यादा हमारे लिए उजागर और वाजे हुई है। हम खुशकिस्मत है कि हम इस दौर में जिंदगी गुजारते हैं कि हमारी आंखों के सामने अरबईन की हालत और कैफियत में इतना अजीम फर्क आया है। आप में से बाज लोग जा चुके हैं, अरबईन ने शिरकत की है वहाँ के बना में, और इंशाल्लाह बाकी जाने वाले इस साल आइंदा साल और तो जा चुके हैं, वो बार बार जाने वाले हैं कि मेरी दुआ है इंशाल्लाह। कई अहम तारीखें हैं इस महीने में। इस महीने की अहमियत अलबत्ता चीजों एक और वजह से भी, एक और वजह से भी। ये महीना अय्याम अज़ा का हिस्सा है, अय्याम अज़ा का दूसरा महीना है। वो अय्याम अज़ा जो पहली मुहर्रम से आगाज हुए अपने दूसरे महीने में दाखिल। ये वो महीना है अजीजो जिसमें करबला के असीरों को शाम के दरबार में आए, बल्कि बाज तारीखों के मुताबिक आज जो दिन गुजरा है पहली सफर यही वो दिन था। बाज मुहर्रकीन के नजदीक भी इसी दिन असीरान करबला उस लुटे हुए काफले को, उन बीवियों को, उन बच्चों को सैयद उस्साजदीन जंजीरों में जकड़कर कैदी बनाकर हाकिम वक्त जाबिर और जब्बार बादशाह जो अपने आप को खलीफा कहता था यजीद इब्न मुआविया के दरबार में लाया गया।
आप जानना चाहते हैं किस अंदाज से और किस कैफियत से लाया गया। दरबार खास तौर पर सजाया गया, हरीर के और कीमती दूसरे परचम और कपड़े लगाए गए, चराना किया गया था यह दरबार। और दरबार ने उस दिन कई दिन पहले से ऐलान करके उस दिन खास तौर पर जितने दरबारी थे, मुख्तलिफ कबीलों के सरदार, मुख्तलिफ दीगर ममालिक के एम्बेसडर और सुफरा, इन्हें वहां हाजिर रहने को कहा गया। कचाकच भरा हुआ सजा हुआ दरबार, और उस दरबार में ये कैदी जंजीरों में जकड़े हुए लाए जाते, हफ्तों का सफर तय करके आ गए। शायद पैरों में आंवले हैं, छाले हैं, लिबास और कपड़े जाहिर सी बात है उस तरह नहीं है जैसे होने चाहिए, चाहे कहीं कहीं से फटे। लिबास कपड़ों सर और सूरत पर असीरी की गर्द गुबार है, सफर की थकन है, और इन्हें इस दरबार में लाया जाता है। और यजीद बंठन के सच कर आया है, अपने घर वालों को भी लाया है, अपने घर की खवातीन को लाया है खास तौर पर उस दिन दरबार में। बड़ा दिन है, बड़ा दिन। और जब आ जाते हैं ये असीर, ये करबला के सर्वाइवर्स, ये लुटा हुआ काफला जब ले आया जाता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ लाया जाता है ये, और इनको देखकर यजीद चाह रहा है कि उसकी चाह और ताकत, हैबत और इख्तदार का मुजाहरा हो सबके सामने, लोगों को अपने रोब में दे। वहां यजीद ने पहले से और भी एक कदम प्लान करके रखा, ये काफी नहीं है कि ये लाए जाएंगे, ये बीबियां ये बच्चे सैयद साजिदीन लाए जाएंगे काफी नहीं, ये पहले से उसने प्लान कर रखे मक्का है। इशारा करता है ये मलूम, और गुलाम एक तश्त लाते, गुलाम एक तश्त ला, उस तश्त में कोई चीज रखी हुई, वो तश्त सामने रखा जाता है। यजीद इशारा करता है और उस तश्त पे जो चीज है जो एक कपड़े से ढकी हुई है वो कपड़ा हटा दिया जाता है, और मजमा क्या देखता है, देखता है कटा हुआ सर उस तश्त पे रखा। लोगों की सांसें हब्स हो जाती है सीने में, ये क्या है ये मंजर, ये किसका नूरानी सर है, ये सर, इस सर पर से कपड़ा हटाया जाता है उस भरे दरबार में, और ये हुसैन इब्न अली का सर सामने आता है कि जनाब ए ज़ैनब की आवाज बुलंद हो, या हबीब रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा के महबूब, फातिमा के लाल, नबी मुस्तफा, ए नबी मुस्तफा की बेटी के लाल, ये कहकर गिरिया करना शुरू कर दिया। सबूर करें आप, अब उस महीने में अब दाखिल, जिस महीने में ऐसे मनाजिर देखे, उस महीने में होता है माह सफर, सफर अल-वफा, सफर अल-हैर। अजीजो, इस नाम के, इस महीने के नाम के सिलसिले में
मुख्तलिफ बातें कही गई है कि इसको सफर क्यों कहा जाता है। सफर स्वाद से, सफर एक होता है सफर जो सीन से होता है, उसका मतलब होता है जर्नी, उसका मतलब होता है वो सफर मुसाफिर है जिसका हम जाते हैं, इंशाल्लाह हम इसको जाएंगे कहीं कुछ। लेकिन ये स्वाद से सफर क्यों कहा जाता है इसको सफर, मुख्तलिफ इसमें बातें कही गई है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता, बस एक चीज, एक वजह जो बयान की गई है वो ये है कि क्योंकि इससे पहले के जो 3 महीने हैं और मुहर्रम, ये 3 इनको कहा जाता है अशहरुल हराम, हराम महीने। हराम महीने यानी क्या, आप जानते हैं मुसलमानों की तहजीब में एक चीज पाई जाती है कि बाज महीनों को एक खास हुरमत और उनको एहतराम हासिल, जिन्हें हराम महीने कहा जाता है। हराम यहाँ चीज नहीं बुराई रखती है बल्कि हुरमत रखने वाली, एहतराम रखने वाली। और इन महीनों में पहले से ही यानी हमारे नबी की नबूवत और रिसालत के आगाज से पहले ही अरबों में ये तरीका पाया जाता था कि इन महीनों में जंग नहीं लड़ी जाती थी। आप जानते हैं जाहिलियत के जमाने में अरब हर चीज पर एक दूसरे का गला काटने को निकलते थे, किसी की उंगली ने किसी की घास, किसी के चारे को खा दिया और तलवार निकला, किसी ने ऐसी निगाह से वैसी निगाह से देख लिया किसी को तलवारें चलने। जिहादत और जाहिलियत की निशानी है अजीजों छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पर हाथापाई करना, ये जाहिलियत और जिहालत की निशानी है। और इंशाल्लाह ये हमारे दरमियान इसके आसार नहीं पाए जाते। तो क्योंकि ये पिछले 3 महीने जंग इसमें उनके तहजीब में उनके कल्चर में जंग नहीं की जाती थी, तो लोग अपने घरों में रहते, बाजार हरे भरे रहते थे, जंग करने के लिए कोई जाता नहीं। और जो इनके दिल में जो कीना भरा होता था, जो 3 महीने उसको कंट्रोल करके रखते थे, जैसे ही माहे सफर आता था वो उस लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाने के लिए, बेताबी से जंग कर लड़ने के लिए निकल जाते। तो बाजारे और महल्ले आबादियां गांव देहात फिर खाली हो जाते। और आप जानते हैं उर्दू में अरबी में जीरो को सिफर कहते, सिफर सिफर खाली होने को कहते, खाली होने, जीरो खाली चीज। तो बताया जाता है कि शायद ये एक वजह है कि इस महीने को सिफर, क्योंकि इसमें खाली हो जाती थी आबादियां, सिफर जैसी हो जाती थी सफर। बहरहाल आपकी मालूमात के लिए एक बात थी, लेकिन हमारी असल गुफ्तगू इन चीजों से ताल्लुक नहीं रखती। हम तो यहाँ पर करबला से और करबला वालों से सबक और दस हासिल करते हैं। आए लौटे दरबार शाम की तरफ, बीबी ज़ैनब ने गिरिया करना शुरू किया, अपने भाई के सर दर्द में देखा, भाई को नबी का नवासा फातिमा का बेटा कहकर पुकारना शुरू। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ जिसको तारीख में ये जुमले हैं कि वो भरा हुआ दरबार जिसे बुलाया गया था, जिसको सजाया गया था, जिसको भरा गया था कच्चा कच, ताकि यजीद जा और अशमत से उनकी आंखें चकाचौंध हो जाए, उनकी आंखों से आंसू जारी होने लगे, उन दरबारी धाड़े मार मार कर रोने लगेंगे। दरबारी अक्सर अपने मुसलमान उन्हें पता है कि जब नाम लिया जा रहा है नबी मुस्तफा का, कहा जा रहा है नवासा है रसूल का, तो कौन है रसूल जानते हैं वो। फातिमा तो ज़हरा, ये नाम उनके लिए नया नाम नहीं था,
बीबी जैनब ने इन नामों को याद दिलाकर और इस कटे हुए सर का उन नामों से जो रिश्ता है वो याद दिलाकर वहां पर यजीद का बना बनाया हुआ खेत दिखा और वो रात यजीद घबराता है। यजीद घबराता है कैसे दोबारा हालात को अपने काबू में ले, कैसे दोबारा मुसल्लत हो जाए हालात पर उस दरबार पर। छड़ी निकालता है, छड़ी निकालता है, सब जानते हैं क्या गुस्सा निकालता है। उस छड़ी से लबाए मुबारक पर गुस्ताखी करना शुरू करता है। बड़ा सुख बड़ी मुसीबत है, लेकिन अजीज में ये उनके ने उसकी घबराहट की निशानी उसे करना पड़ रहा है क्योंकि हालात उसके काबू से निकल कर उतर रहा। लेकिन आप देखिए उसका भी नतीजा क्या हुआ। उसका ये नतीजा होता है अजीजों के वहां पर एक दरबारी बूढ़ा है, सिर रसीदा है, बाल सफेद है, वो खड़ा हो जाता और उस दरबार में आवाज देता है, कहता है मैं सहाबी रसूल हूं, मैंने रसूल का दौर देखा है और मैंने देखा है अपनी ही आंखों से कि जिन होठों के साथ वो इस तरह गुस्ताखी कर रहा है, इस बच्चे के होठों को हमारे नबी उनका बोसा लिया करते थे और इसके भाई हसन के होठों का बोसा लिया करते थे और कहा करते थे कि ये सैयदा शबाब अहलुल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है और तू ये गुस्ताखी कर रहा है इन होठों के साथ। यजीद हुक्म देता है सिपाहियों को ले जाओ इसे बाहर, ले जाया जाता है वहां, लेकिन सब हो गया। करबला अपना असर दिखा रही है, शहीदों का खून रंग ला रहा है, हुसैन की कुर्बानी अपना कारनामा दिखा रही है। वहीं से शुरू हो। अब ऐसी यहां देखिए क्या हो, कैफियत देखिए, हालत देखिए। इन असीरों को लाया गया है जंजीरों में जकड़, सर से लेकर पैर तक असीरी लाचारी बेबसी टपक रही है। इनके सरदार, इनके आका हुसैन इब्ने अली का कटा हुआ सर इनके बीच में लाके रख दिया गया जताने के लिए इनकी शिकस्त, इनकी लाचारी और बेबसी को और आया करने के। और फिर उस सर के साथ उन मुबारक होठों के साथ वो गुस्ताखी की जाती है। ठीक है, बीबी जैनब तेज आवाज में बुलंद आवाज में रो चुकी है और उन्हें देखकर पूरा मजमा रो चुका है। यहां पर बीबी कहती है मुझे कुछ कहना। अब यजीद शायद उसकी अकल घबराहट की वजह से काम नहीं कर रही थी, क्या उसको इतना ज्यादा गुरूर था, इतना ज्यादा उसे यकीन था अपने इख्तदार पर और इन कैदियों की लाचारी और बेबसी पर कि वो इजाजत दे दे। और ये बीबी, ये अधेड़ उम्र की खातून हुसैन की बहन शरीकत हुसैन, जिसने क्या क्या मसाइब नहीं देखे करबला में और करबला से लेकर इस दरबार तक क्या क्या मुसीबतें नहीं उसने झेली है, जिस्मानी मुसीबतें और थकन और दर्द वार सफर की अपनी जगह, रूहानी अजियतें जो रास्ते भर सहनी पड़ी हैं,
जब लोगों ने तमाशे देखे, जब हर शहर और बाजार से फिर सरों को घुमाया गया। ये अब आई है मरकज़े खिलाफत में, जालिम के दरबार में, और तारीख इस तरह नकल करती है। तारीख कहती है فقامت زينب بنت علي بن ابي طالب فقامت زينب بنت علي بن ابي طالب وقالت کھڑی ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وآله اجمعين अल्लाह। ये खुद एतमादी देखिए, ये कॉन्फिडेंस देखिए, वहां पर खुदा की हम्द और सना करने के फौरन बाद क्या फरमाती है, दुरूद और सलाम हो नबी पर, वो अला आल की अजमईन, और उनकी तमाम आल पर, वो आल जो इस वक्त जंजीरों में इस वक्त खड़ी भी है साथ। हिम्मत देखिए जिन्होंने बुराइयां की, जिन्होंने बदकारियां की, उनका अंजाम बहुत बुरा। बादशाह के सामने ये बात कही है, कौन कह रहा है, संजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान, एक खातून, उसी के सामने जिसने पूरे खानदान को खत्म करवाया और इनको जो है कैदी बना करवाया, उसके दरबार में खड़े होकर, जिन्होंने बुराइयां की, इस आयत का मज़मून है, जिन्होंने बुराइयां की उनका अंजाम और नतीजा बहुत बुरा हुआ। इन्हें क्या किया, क्या हुआ, इन्हें खुदा की आयत को झुठलाना शुरू और उनका मजाक उड़ाना शुरू, इन्हें हल्का लेना शुरू। हुसैन इब्न अली खुदा की आयत में से, सरे हुसैन कोई कम आयत नहीं। क्या जबरदस्त तमाशा लगा है यजीद के मुंह पर, क्या आवाज ही किया है। बीवी अपने खुतबे को जारी रखती है, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाती है, खुदा की हम तो सना करती है, रसूल की अजमत को बयान करती है, खानदान रिसालत को, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम को, उनकी अहमियत को, उनकी अजमत को उसी दरबार में बयान कर रहे हैं। क्या हाल होगा यजीद का उस वक्त, क्या कैफियत होगी, क्या समा होगा उस दरबार में। और फिर आप ये जुमला देखिए, खुद एतमादी अगर आपको देखना है, अगर आपको हिम्मत और जुरत और जसारत देखना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस देखना है, अगर आपको अपने रास्ते पर यकीन का मुजाहिरा देखना है, अगर आपको खुदा पर तवक्कुल देखना है, तो एक मकाम पर आके बीबी बराह रास्त यजीद से खिताब करके फरमाती है, कहती है किद कहकर तू जो कर सकता है कर। भगवान का तुम्हारा इसका आसान, जो चाल तू चल सकता है चल ले, किद कहकर जितनी तू मेहनत कर सकता है कर ले। यजीद से उसी के दरबार में गुफ्तगू हो रहे, सारे सरदार, सारे कमांडर, सारे वाली, सारे सफीर और एम्बेसडर देख रहे हैं, और ये कैदी यजीद से कह रहा है बादशाह पक्ष से, किट कह रहा वस अक्सब यर वना से जो तक अपनी मेहनत को आखिरी मंजिलों तक पहुंचा दे, जो करना है कर ले,
फिर खुदा की कसम खाती है, फौ वल्लाही ला तमहू ज़िक्रना, खुदा की कसम तू हमारी आग को, हमारे जिक्र को महव और नाबूद कर ही नहीं सकता। सलावत पढ़े का, वो इमा का, वो
होकर बनाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सलाम। रसूल का जिक्र हो चुका है इस खुतबे में कई बार, अब तक करके इस जुमले तक पहुंचती हैं बीबी। रसूल की अजमत का जिक्र हो चुका है, खानदान रिसालत की अजमत का जिक्र हो चुका है, हुसैन इब्ने अली का इस खानदान का हिस्सा बल्कि रुकन होना जिक्र हो चुका है, इन असीरों का इस खानदान का हिस्सा होना जिक्र हो चुका है। और उसके बाद अब ये सवाल पूछती है, क्या ये है आपका इंसाफ या अपना खुलाका कि तू अपनी घर की खवातीन को, चाहे वो आजाद हो या कनीजे हो, क्योंकि घर में दोनों किस्म की खवातीन थी, आजाद भी थी कनीजे भी, चाहे वो आजाद हो चाहे वो कनीजे क्यों ना हो, तू उनको पर्दे में रखे, और रसूल जातियों को एक बाजार से दूसरे बाजार, एक शहर से दूसरे शहर चलाने पर, चलने पर मजबूर कैदी बनाकर, क्या ये है अदल और इंसाफ? आप बताइए, ये सवाल है, लेकिन ये सवाल इस तब तो ताज को डूब डुबा रहा है, सवाल समझने में डुबा रहा है। आप जानते हैं क्योंकि यजीद ने उस दिन खास तौर पर अपनी घर की खवातीन को बुलाया था, पर्दा लगवाया था, और उस पर्दे के पीछे से उस दिन का मुशाहिदा कर रही थी, उस मंजर को देखने आई थी। यजीद की कामयाबी का दिन है, यजीद की जीत का दिन है, यजीद की बदतरी और अजमत के साबित होने का दिन है, वो आई थी पर्दे में रखी गई। और वो जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया जी, अपना तुलाका, ऐ तुलाका के बेटे, ऐ तुलाका के बेटे, किस तरह के दावे अजीजों? तुलाका कौन? यजीद को, इस बादशाह को यह कैदी इन अल्फाज से जानता है, सबके सामने बड़े दरबार में कह रहा है तुलाका के बेटे। अजीजों, इसका सादा तर्जुमा ये है, ऐ आजाद किए हुए कैदियों के बेटे, क्या कहा जा रहा है? आजाद किए हुए कैदियों के बेटे क्यों कहा जा रहा है? कौन कह रहा है? तो उस वक्त कैदी है। अजीजों, आप जानते हैं कि हमारे नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुसल्ला साल उन्हीं ने वहां पर जद्दोजहद, लेकिन मक्के में हिदायत पाने वाले तादाद कम है, मुसलमान इस्लाम कबूल करने वाले, इस्लाम लाने वाले, ईमान लाने वालों की तादाद कम है, आम तौर पर गुलाम कमजोर लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते थे, जो सेठ थे, उनके तकबर ने इजाजत नहीं दी, वे तमाम अंबिया के साथ लड़ाए, आम तौर पर कमजोर तबके ने पहले हर नबी की सच्चाई और हकीकत को पहचाना है और तस्लीम किया। बहुत कम हुआ है, लेकिन कम होता है, हुआ था और आज भी कम, कि पहले मरहले में, इब्तदाई मरहले में जो ताकत और कुदरत और इख्तदार रखते हैं किसी माशरे में, वो सुधरे और इस्लाम कम होता है, लेकिन कम बड़ी मुश्किलात रही। इन बड़े बड़े ताजरों ने, बड़े बड़े पैसे वालों ने बड़ा सताया रसूल का, और इसके नतीजे में वो चले गए हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा, और शहर का नाम यत्रिब से बदल के मदीनतुर रसूल, मदीना का मतलब शहर, मदीना को अरब में मतलब शहर, उसका पूरा नाम है मदीनतुर रसूल, रसूल का शहर,
वहां पर उन्होंने इस्लामी हुकूमत को कायम किया, इस्लामी निजाम को कायम, इस्लामी माशरा कायम, और फिर एक के बाद एक कामयाबियों के बाद एक वक्त आता है, एक वक्त आता है कि मक्का और पूरा का पूरा मक्का रसूल खुदा के आगे तस्लीम, आसपास जज़ीरतुल अरब थे यानी अरेबियन पेनिनसुला, बड़ी तादाद जो है मुसलमान हो गई थी और मुख्तलिफ अरब कवायद ईमान ले आए थे, लेकिन मक्का जैसे जिस ज़माने में मुसलमान जिंदगी बसर करते थे और उसके बाद मक्का फिर भी कुफ्र का ही मरकज था, और एक वक्त आता बड़ी अजियतें करते थे, अलग मौसम है आप बातें मैं उससे करवाते कितना सताया करते थे मदीने वालों को, मदीने के मुसलमान को, नदी को, उनके खाने वालों को। बहरहाल एक वक्त आता है कि मोमिनीन इसकी तादाद बहुत बढ़ गई, एक लश्कर लेकर मक्के की जानिब पर, और मक्के के बाहर ये लश्कर उठता है, मक्के वाले जब देखते हैं कि कितना बड़ा अजीम लश्कर आया है तो समझ जाते हैं कि क्या हो, तो वो जंग किए बगैर मुकाबला किए बगैर इस आखिरी मरहले में हथियार डाल देते हैं, मोमिनीन के सामने तस्लीम हो जाते हैं और कहते हैं मुसलमान हो। इस अजीम वाक़े को इस्लाम की तारीख में फतह मक्का के उन्वान से जाना जाता है, फतह मक्का। अब क्योंकि मक्के के कुफार ये सब के सब रसूल खुदा के आगे तस्लीम हुए थे, रसूल खुदा आए थे साथियों के साथ, उनके साथ जंग कर, और वो डर के इनके सामने तस्लीम हो गए थे, तो कवानीन के मुताबिक ये सब के सब रसूल अकरम के गुलाम हुए, सब के सब मक्के के कुफार गुलाम हुए, जमाने का कानून यही चीज को मानता है, और मक्के वालों को भी ये पता, और रसूल ने अपनी रिसालत का, अपने अखलाकी मेयार का, इस्लामी अखलाक का मुजाहरा करके सबको आजाद और इनको बाकी मुसलमानों के साथ बराबरी आता है, लेकिन ये गुलाम हो रहे थे फिर आजाद, और किसने इन्हें आजाद किया था, किसके गुलाम हुए थे नबी के, और किसने आजाद किया था, खुद नबी। अब आप देखिए इस जुमले के अंदर जो कुव्वत पाई जाए कि वो बीवी कि जिन्हें और जिनके पूरे घराने को यजीद कैद किए हुए है उस वक्त, जंजीरों में जकड़े हुए हैं ये सब लोग, दरबार उन्हें जिल्लत और हिकारत की निगाह से देख रहा है उस वक्त, वो उस आलम में उस लम्हे आंखों में आके डालकर यजीद के ये बीवी कहती है, ऐ आजाद शुदा गुलामों के बेटे। अजीजों बताइए हम अगर यहां पर हमारी अकलें हैरान हो जाए और हम ये सवाल पूछें कि उस दरबार में उस तीबी के सुनने के दौरान अगर हम ये सवाल पूछें कि आखिर इसमें कैदी है कौन, इसमें बंदी है कौन, इसमें जंजीरों में दर हकीकत कौन जकड़ा हुआ है और कौन इसमें आजाद है, अगर ये हम सवाल पूछें, अगर इंसानों की अकलें ताबिया में कयामत ये सवाल पूछती रहे, कोई ताज्जुब की बात है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं। हमारे पेशवाओं का, हमारे सरबराहों का, हमारे नबी और उनकी आल का ये तरीका और सेवा ही है अजीजों कि उन्होंने हर मरहले और हर मकाम पे आजादी का दर्स दिया, आजादी का दर्स दिया।
हुर्रियत का समा तमें दिया, चाहे दुनिया की निगाह में वो कैदी ही क्यों ना हो, जंजीरों में जकड़े हुए, चाहे उनके पैरों में बेड़ियां ही क्यों ना हो, गले में तौफ ही क्यों ना हो, उस कैफियत और हालत में भी उन्हीं ने आजादी का और हुर्रियत का सबक दिया है। या उस दौर में कि जब रसूल अकरम की हुकूमत है, मदीने के वो हाकिम है और उनके सामने कुफ्फारे मक्का जो है माफी मांग रहे हैं, तस्लीम हो रहे हैं, ईमानदार, उस वक्त भी वो आजादी का दर्द है, इन्हें आजाद कर। हर दौर में, हर मकाम पर अजीजों, हर मकाम पर हमारे दर्द, हमारे मकतब, हम जिस दीन से ताल्लुक करते हैं, जिस ऊपर सबसे ताल्लुक करते हैं, उसमें आजादी का दर्द आएगा। और इसलिए इसलिए जब हम अपनी तारीख के वरक पलटते हैं, चाहे वो हमारे नबी की तारीख, चाहे वो मौलाए कायनात, चाहे उसके बाद क्या इमाम की और कर्बला की तारीख, जिसे हम खासतौर पर अय्याम में याद कर रहे हैं, अय्याम कर्बला के अय्याम है, और जगह जगह कदम कदम आजादी आजादी का दर्द। तो जब हम पलटते हैं तारीख के इन औराक को और हमें जगह जगह आजादी का दर्द नजर आता है, चाहे दुनिया इसको समझे या ना समझे, तो हमें ये जेब देता है कि हम आजादी से मुताल्लिक अपनी समझ में मजीद गहराई कर रहे हैं। सवाल पूछे, अपने दरमियान सवाल उठाए, जवाब हासिल करें। आखिर आजादी कहते किसे, आजादी क्या क्या में यार, क्या हर चीज जिसे आजादी कहा जाता है हकीकत में आजादी है, क्या हर चीज जिसको बंदिश और पाबंदी कहा जाता है वो हर, तो यकीनन बंदिश और पाबंदी ही है। अहम सवाल है। और आज दो मिनट में, पांच मिनट में बस मैं एक सवाल को उठाकर उसका जवाब देके अपनी गुफ्तगू की तरफ पहुंचाऊंगा, और आइंदा जिंदगी रही या तौफीक रही तो इसी नौयत के आजादी से मुतालिक सवाल उठाकर उसका गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आज जो मैं सवाल मैं उठाना चाहता हूँ आपके दरमियान, और वो ये है, सादा सा सवाल है, आजादी और हमारे मजहब, आजादी और इस्लाम के दरमियान आखिर राबिता किस नौयत का, आखिर कोई राबिता पाया भी जाता है इस्लाम और आजादी? कभी कभी ये तसव्वुर होता है कि आजादी का नारा तो वो लोग उठाते हैं कि जिन्हें इस्लाम और दूसरे तमाम दीन और मजहब से एलर्जी हो, और कहते हैं कि दीन और मजहब इंसान की आजादी को सब कर देता है, इंसान को बंदिशों और पाबंदियों में जकड़ लेता है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पहन सकते, इससे शादी नहीं कर सकते, ये देख नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, आजादी को सब कर देता है। कभी कभी ये लगता है कि आजादी और इस्लाम का कोई खास रिश्ता नहीं, बल्कि कभी कभी मैंने देखा है मोमिनीन ऐसे एतराजात के मुकाबले में पलट कर कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इस्लाम हर दीन और मजहब आजादी को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इंसान अगर आजाद रहता है लावाबादी हो जाता है, जालिम हो जाता है, इस्लाम आया ही है कि इंसान की आजादी को कम करे। आज मैंने देखा है मोमिनीन अपने दीन के मजहब की दिफा में ये जवाब पेश करते हैं और फख्र से कहते हैं। क्या ये जवाब सही है? क्या ये जवाब सही है? क्योंकि अगर ये जवाब सही है तो मैंने जो सवाल उठाया उसका भी जवाब वाजह और रोशन है। मैंने ये सवाल उठाया कि आजादी और इस्लाम के बीच में क्या रिश्ता बनाता पाया जाता है, उसका जवाब पता चल गया। अगर ये वाला दूसरा जवाब ये उत्तर सही है कि इस्लाम आया ही है हमारी आजादियों को कम करने और कंट्रोल करने, तो उस
मेरे सवाल का भी जवाब पास है, वो जवाब ये है कि इस्लाम और आज़ादी में कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, बल्कि अगर कोई रिश्ता और नाता है तो वो टकराव और तसादुम और दुश्मनी का कारण होता है उसका। सही है, सही है। ये वो अहम सवाल है जो हमारे दरमियान उठने चाहिए और हमें इनके जवाब हासिल करने चाहिए, हमें इनके दरमियान हमें इनके बारे में जवाब हासिल करने चाहिए। मैंने अभी कहा और आपके कदम पे अर्ज किया कि हमारा मकतब और हमारे मकतब के सरबराह और रहबर और पेशवा को हर कदम पर आज़ादी की मिसाल कायम करना, क्या हम जवाब में ये कह सकते हैं कि इस्लाम और आज़ादी का कोई रिश्ता और नाता नहीं? आज़ादी आज के मॉडर्न दुनिया का एक नारा है और इस्लाम ऐसे कोई गहरा कारण ऐसे तो आए देख लें, आए देख लें, हम अपनी किताब की रोशनी में देख लें कि इसका क्या हमें जवाब मिल सकता है। ऐसे इंशाल्लाह हमें अलग अलग अंदाज से इसका जवाब देखेंगे, खासतौर पर कर्बला के वाकया की रोशनी में आइंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें हम देखें। लेकिन अभी फिलहाल कुरान मजीद की एक आयत करीमा की रोशनी में मैं इसके जवाब की तरफ इशारा करते हैं। कुरान मजीद में सूरह आराफ में एक आयत करीमा में जिक्र किया गया है नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तारुफ किया है, उन्हें पहचानवाया गया है। ये भी कई आयात है, उनमें से एक आयत कि ये हैं कौन, और खास तौर पर अहले किताब के तनासुब, अहले किताब यहूद और नसारा ज्यादातर जो पहले की किताबें उनके दरमियान नाजिल हुई है, पहले के अंबिया उनके दरमियान, लेकिन हिदायत का एक हिस्सा उनके पास है और आज भी लेकर तक है। तो इस तनाजुब पे गुफ्तगू हो रही है और रसूल को पहचानवाया जा रहा है और माइशात हो रहा है अल्लाह के शैतान ने रसूल नबी ना यतबऊन रसूल नबी वो पहले किताब जो पैरवी करते हैं कि तारीफ की जा रही है, तो हमारे रसूल की पैरवी करते हैं। आप जानते हैं कि पहले किताब की एक बड़ी तादाद मुसलमान, बड़ी तादाद शुरू के सदियों में खासतौर पर एक बड़ी तादाद जिसको मिडिल ईस्ट आज कहा जाता है, जिसको मगरबी एशिया कहना बेहतर है, वेस्ट एशिया, बड़ी तादाद वहाँ पर पहले किताब की मुसलमान हुई शुरू के सालों में अवसर हुई। जिसका वो जिक्र अपनी ही किताब में तौरात इंजील अपना नबी का जिक्र पाते हैं और जानते हैं पहले भी था और आज भी तौरात और इंजील में जिक्र मिल जाएगा, ना सब कुछ मिटाने और काट छाट करने के बावजूद आज भी मिलता है। फिर नबी की तारीफ की जा रही है, नबी के सिफात, नबी का जो किरदार और काम है, तवज्जो करें, जो रोल प्ले करना है नबी को और नेक और पाकीजा चीजों को उनके लिए हलाल कर करार देता है, और वो चीजें जो पहले से ही बुरी हैं उन्हें हराम करार देता है। भाई और भी कौन है और इस पर तवज्जो करें, ये आखिरी फितना ऐसा है वो यार इसमें आखिरी और निहाई मकसद बयान किया जा रहा है रसूल की रिसालत का, यहाँ पर इरशाद होता है वो याद आओ आयन हो इस सुरा हो वलाबलाल लती का नकाले है और वो रस्सियां और वो जंजीरें जिनमें ये जकड़े हुए हैं उन्हें तोड़ पाए, आजाद करता है, अमर बिन मारूफ करने के बाद नहीं, हमें
फिल्टर करने के बाद, चीजों को हलाल और हराम देने के बाद इस मंजिल तक पहुंचाता है इंसानियत और बशरियत को ये नबी कि उन्हें जंजीरों से और रस्सियों से आजाद कर। कौन सी जंजीरें पकड़े जाए, ऐसी बात है कि ये रस्सियां और फिजिकल जो जंजीरें होते हैं उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जंजीरें हैं जिसमें इंसानियत और बशरियत पकड़ी हुई है। जहालत की जंजीर, गुरूर और तकब्बुर की जंजीर, नस्ल परस्ती, जात परस्ती, कास्ट सिस्टम की जंजीर, सेलिब्रिटी के पीछे झुकने भागने की और उसके सामने झुकने की जंजीरें, फला झूठे मकतब, फला उस झूठे भूत की परस्तिश करने की जंजीरें, फला उस आइडियोलॉजी की जिसको खोखली है, बेबुनियाद है, उसकी पैरवी करने की जंजीर, अपने नफ्स और नफसानी पस्त ख्वाहिशात की पैरवी करने की जंजीर, ये है असली जंजीर है। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू रहेगी आगे की। इसको मकसद नहाई और फाइनल एम और पर्पस की तरह गोया जिक्र किया गया है आयत करीमा। गोया ये आयत करीमा ये कह रही है चीजों कि नबी अकरम की नबूवत, रसूल मुरसल की रिसालत बुनियादी तौर पर है ही इसलिए कि इंसानियत को आजाद किया जाए। अब जब ये सवाल पूछा जाए, दोबारा अगर मैं सवाल को उठाऊं कि इस्लाम और आजादी के दरमियान क्या रिश्ता और नाता है, तो हमारा जवाब इससे कम नहीं होना चाहिए कि बहुत गहरा रिश्ता और नाता, बहुत गहरा रिश्ता और नाता, बहुत अमीर ताल्लुक, इतना गहरा रिश्ता और नाता और ताल्लुक है कि बुनियादी तौर पर इस्लाम आया ही इसीलिए है कि इंसानों को आजाद करे। जब इस पर और तौर पर ठीक है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और जिस तरह हम जब हमसे पूछा जाता है तौहीद का इस्लाम से क्या रहता है, तो हम बगैर झिझक कहते हैं अरे तौहीद तो इस्लाम की चीज है, इस्लाम तौहीद का, तौहीद इस्लाम की। जैसे हमसे पूछा जाता है विलायत और इस्लाम का क्या रहता है, बगैर किसी झिझक के क्या जवाब देते हैं, अरे इस्लाम यानी विलायत, विलायत यानी इस्लाम। हमसे पूछा जाता है अदल और इंसाफ और इस्लाम का क्या रहता है, हम कहते हैं अरे तो एक ही सिक्के के दो लोग हैं, आजादी और इस्लाम का भी कुछ उसी नोयत का रास्ता पाया जाता है। लेकिन इस हकीकत पर कुछ बात करना उतरना पड़ गया, जब तो हुआ आगे चलते और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कुछ हद तक इस शब्द गुबार को हम हटाएं और देखें कि ये क्या हकीकत है। क्योंकि हम जिसके पैरोकार हैं अजीजों, हम जिसके पैरोकार हैं अजीजों, वो इस बात को खूब समझते हैं इस्लाम याने आजादी हमें, और इतना समझते थे कि उनकी जिंदगी का हर अमल किसी हकीकत का दर्स, अमली जामा पहनाते थे अपने हर मोर फेज से किसी हकीकत को। हम दरबार शाम की बात कर रहे थे, वहां आपने देख क्या किन कुर्बानियों को देकर ये हकीकत, ये मकता पर ये दीन और मजहब हम तक पहुंचा है इसी खानदान के जरिए। ये आज जो हम बैठकर ये गुफ्तगू कर पा रहे हैं आजादी के बारे में, ये मजलिस अज़ा मुनाकिद हो रही है, हम इस्लाम की इस हकानियत पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होता, ये मौका फराहम नहीं होता। अरे इस्लाम ही नहीं बाकी रहता तो उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाए अगर इस खानदान की कुर्बानियां नहीं रही। जब हमारे चौथे इमाम से सवाल किया गया जिनकी शहादत के अभी जब उसे सवाल किया गया के मौला आपा, जब हमारे मौला वापस आके
उनसे पूछा किसी चाहने वाले ने किसी बात से, बोला ये तमाम मुसीबत या मसाइल रोड़ा हुए रात के सामने आ रहे हैं, देखे बर्दाश्त, बोला इनमें कौन सा वो वक्त था, कौन सी वो मुसीबत थी जो आप पर सबसे खराब, सबसे खराब। शायद सवाल पूछने वाला ये सोच रहा होगा वो कहेंगे कि मेरे भाइयों का तब मेरे बाबा का सर जैसे पर उठाया जाना, मेरे नन्हे अली असगर का उस तरह से सेवा हो नहीं ऐसे। आप सब जानते हैं क्या जवाब दिया हमारे मौलाना ने, तीन मरतबा कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। जानना चाहेंगे क्यों ऐसा कहा, लेकिन उस फहरिस्त के अगर एक या दो मुसीबतों को भी हम दोहरा लेते हैं तो हमारे लिए भी उनके समझना आसान होने लगता है कि मौलाना ने क्यों नहीं जवाब दिया। जब इस काफले को लाए हैं दरवाजे शाम पर शहर के तरफ, जमाने में शहर की दीवारें हुआ करती थी, दरवाजे और गेट हुआ करते, और इस शहर में दाखिल होने की नौबत आई तो दरवाजे शाम पर इस काफले को तीन दिन रोका गया है ताकि शहर सजाया जा सके। इनकी मुसीबत और इनके लुटे जाने का जश्न मनाने के लिए तीन दिन वक्त अलग दिया गया और वहां पर उनको खड़ा किया गया। शहर भर में हर तरफ परचम रंगीन झंडियां लहराने, रंगीन झंडियां लहरा। एक रावी कहता है कि मैं उन अय्याम में गुजर रहा था, मैं दमिश्क से शाम, आज उसको दमिश्कस कहते हैं दमिश्क, मैं गुजर रहा था शाम से, मुझे जाना था ज़ियारत के लिए बैतुल मुक़द्दस, मैं सफर मेरा वहां से गुजरा ना रुका, मैंने अचानक देखा कि शाम में हर तरफ जो है खुशियां मनाई जा रही है, चिरागा है, झंडियां लहराई रही है। मुझे हैरत हुई, ये तो सफर का महीना है, आज तक कोई ईद या कोई जश्न तो मुसलमानों में नहीं होता है, क्या वजह है ये हो रहा है। मैंने पूछा उस शहर के रहने वालों से, बताओ क्या शाम में कोई ऐसी ईद मनाई जाती है जिसका ईद बाकी मुसलमानों को नहीं है, जवाब ये मिला कि नहीं ऐसा नहीं है, हम जश्न मना रहे हैं खासतौर पर इस साल पहली बार। मुझे किस बात का जश्न, कह रहे हैं कुछ बागी हैं उनको शिकस्त दी गई है और उनके घर वालों को असीर करके जाया गया, उसका जश्न मना रहे हैं। ये शहर की कैफियत है अजीजों। जनाब उम्मे कुलसूम ने शिवर से कहा कि तूने इतनी तकलीफ में हमें पहुंचाई, इतनी तकलीफ में हमें पहुंचाई, एक मौका है तेरे पास के कम तकलीफ पहुंचा, ऐसा कर हमें उस दरवाजे से ले जा शहर में जहां सबसे कम मजा होता है। लेकिन शिवर ने इसके ही बल दिला उस दरवाजे से ले गया जिस पर सबसे ज्यादा मजा होता है और बाजार से बाजार गुजारते हुए ले गए, पूरा दिन लगा है दरवाजे से लेकर दरबार तक पहुंचने, और हर जगह जहां से गुजारा जा रहा था तालियां सीटियां गाने जश्न मनाया जा रहा है अजीजों। और जश्न मनाने का इनका एक तरीका क्या था पता है, इनके घर वाले इनकी तबादी घर की छतों पर जमा होते थे और अपने हाथ में सूखी घास के ढेले बांधते थे, उसमें आग लगाकर फेंका करते थे चीजों, और तुम्हारे चौथे बाप से नक मुसर फरमाते हैं कि इसी तरह एक आग का गोला मेरे सर पर गिरा, मेरे अमाने में आग लग गई, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए थे मैं इस अमाने को हटा नहीं सका अपने सर से और मेरे बालों का गाड़ी का एक हिस्सा भी जल गया इस वजह से। अजीजों ये यही काफी नहीं था,
जब ये गुजर रहा था बाजारों से ये काफिला, तो एक रावी कहता है मैंने देखा कि बीवियां किस तरह ऊंटों पर लाई जा रही हैं, इन ऊंटों के दरमियान जो है हर एक फूट के बाद एक फौजी एक नेजे पर एक कटा हुआ सर लिए हुए। मैं हैरान आखिर कौन लोग हैं, मुझे नहीं ये बताया क्या हुआ है। मैं एक ऊंट के पास पहुंचा और मैंने किसी तरह उस पर बैठी हुई बीवी की तवज्जो अपनी तरफ चली और मैंने कहा ये बताओ तुम लोग हो कौन आते, तुम लोग हो कौन आते। तो बीबी ने कहा कि क्या तूने मुसलमानों के नबी का नाम सुना है। कहता हाँ, कैसी बात है, मैं खुद सहाबी रसूल हूँ, मैंने बचपन में जवानी में देखा है अपनी आंखों से रसूल को। तो कहा पर ये जान लो हम उसी रसूल की नबी जादिया है जो हम पर इस तरह बाजारों से घुमाया जा रहा है। तो रावी कहता है मैं चौंक गया ये क्या हो गया, लेकिन मैं समझ गया मैं मुकाबला नहीं कर सकता इस बजने का। मैंने उस बीवी से कहा बीवी मैं साहबी हूँ, अगर कोई ऐसी चीज है उसमें मदद कर सकता हूँ, आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। तो उस बीवी ने कहा जाओ आगे इन फौजियों से कहो किसी तरह इन्हें राजी करो कि ये जो नेजे और सर हमारे दरमियान लिए हुए जा रहे हैं इन सबको एक साथ लेकर आगे चले जाए, सबको एक साथ लेकर आगे चले जाए। मैं पूछता हूँ आखिर क्या वजह है इन सरों के साथ ये इतने हफ्तों का सफर तय करके आई है, क्या आज अचानक नहीं देख पा रही इन सरों को, इनको तो हफ्तों से देख रही है सरों को, एकदम से क्यों काफिले बर्दाश्त नहीं बीवी के लिए। उसका जवाब खुद इस बीवी के बयान से मिलता है अजीजों। ये बीवी कहती है ये सर सारे के सारे सरों को आगे ले जाओ ताकि मजमा इन्हीं को देखने में मसरूफ हो जाए। और जब रसूल ज़ादिया जब नबी ज़ादिया खुले चेहरों के साथ इन बाजारों से घुमाए जाए तो कोई हमारी तरफ निगाह न करे, सब इन्हीं सरों को देखते रहे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अमीन सयालम अली नजर अयन तलबी यंतल मुबार लहा हमारी इस अली इबादत को कबूल फरमा बार लहा हमें मकबरे हुसैन का सही रस्मी हाजिर होने की तौफीक नसीब हो। हमारे दरमियान जो बीमार हैं जो परेशान हाल हैं उनको अपनी बीमारी से शिफा आजिला नसीब हो, उनकी परेशानियाँ बरतरफ हो जाए, जो कर्जों में डूबे हैं वो अपने कर्ज लौटाने में जल्द से जल्द कामयाब हो, जो रिस्क की तंगी से परेशान है उसके रिस्क के हराम में वसत अता कर। बारे दाना जो मुनासिब रिश्ते की तलाश में है उनके लिए बेहतरीन जौद और जौजा का फराहम कर, उनके लिए अपने बच्चों के लिए बारे दाना जो इल्म के रास्ते में काम कर रहे हैं उनको इस रास्ते में तरक्की और कामयाबी नसीब हो। बारे दाना अगर हमारे दरमियान कोई मुश्किल है कोई हमारे दरमियान दर्जे हैं आपसी शिकायतें हैं घरों में पड़ोसियों के दरमियान बारे दाना उसको मुसीबत करबला के लिए फैज में मोहब्बत और उल्फत और भाईचारगी में तब्दील कर। हमारे यहाँ उलमाए कराम को मराज कराम को रहबर मुअज्जम को अपने हिफ्ज़ और अमान में रख। हमारे यहाँ ज़ालिमीन जहाँ जहाँ भी अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है उस तक मरीज अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो उन्हें नीस पर नाबूद कर। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्तज़मीन है फिलिस्तीन में यमन में जहाँ जहाँ भी खुद हमारे उस्ताद में हम भी मुस्तज़मीन की फहरिस्त में आते हैं। खुदावंद ने मुझे तमाम मुस्तज़मीन को अपनी ताकत का एहसास दिला। बारे रहा हमें अपने बारे में इमाम की पैरवी करने